सत सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, सुपर होंगे, होने भी चाहिए। सो वीडियो का टाइटल है, बहुत ही खतरनाक सी वीडियो है, मेकअप करने वाली औरतों और मेकअप करने वाली औरतों लड़कियों पर खुदा का अजाब। हमने चीज सुनी है कि मेकअप करने वाली औरतों पे मतलब अजाब होता है, बट किस तरह का अजाब होता है ये हम सही बात है ना, ये नहीं पता कि किस तरह का अजाब होता है, क्या अजाब। तो इसको देखते हैं वीडियो को। yes, और तो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है ना चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करो। नया करती भी नहीं है वैसे, तो इसको करते हैं प्ले। एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती थी, दिन भर अपने फेस पर क्रीम लगाकर चेहरे को खूबसूरत करती थी और सोते वक्त भी वो अपने चेहरे पर मेकअप करके सोया करती थी। अपने होठों पर लाली लगाकर और अपनी आंखों पर मेकअप की पॉलिश लगाकर मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी और अपने दिल में सोचती थी कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। इस लड़की के सर पर हमेशा मेकअप करने का बोझ सवार रहा करता था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर दूसरे मर्दों के सामने घूमती थी। जब मर्द इस लड़की को खूब निगाह भरकर देखते थे तो ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। एक मर्तबा एक फकीर उस लड़की के दरवाजे पर आता है और कहता है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार मजबूर इंसान हूँ। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज को सुना, उठकर गई और 20 रुपए ले जाकर फकीर के सामने हाजिर हो जाती है। जब फकीर ने उस औरत के चेहरे को देखकर बेहयाई को देखा तो फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह के वास्ते तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहा करो और इतना मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने मत निकला करो। इतनी बात सुनकर वो औरत गुस्से में आ गई और कहा, तुम एक घटिया फकीर हो, तुम मुझे मशवरा देने आए हो, यहाँ से फौरन चले जाओ। फकीर ये बात सुनकर वहां से चल देता है। फकीर कहता है, मरने के बाद तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा, जल्दी संभल जा, जल्दी संभल जा। कुछ दिन बाद उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। चंद दिनों के बाद उस गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसे ख्वाब में देखा। उस औरत के हालात को देखकर वो औरत घबरा गई। जब सुबह हुई तो उस नेक औरत ने लोगों के सामने ये बात रखी, मैंने फला औरत को अपने ख्वाब में देखा, जो औरत बेपर्दा रहा करती है और मेकअप लगाकर लोगों के सामने जाया करती थी। मैंने देखा अल्लाह ने उस औरत के होठों को काट दिया है, जिन होठों पर वो पॉलिश लगाया करती थी उन आंखों को भी निकाल दिया है, जिन आंखों में वो मेकअप लगाया करती थी अल्लाह ताला ने उसके नाखूनों को भी खींच लिया है, जिन नाखूनों में वो पॉलिश को लगाया करती थी, और अल्लाह ताला ने उस औरत की कब्र में सांपों को छोड़ दिया। वहां मौजूद औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन सब के दिलों में दहशत बैठ गई और वहां मौजूद औरतें अपने गुनाहों की तौबा करने लगी और उन्होंने तौबा की कि आज से हम पर्दे में रहा करेंगे, किसी को भी अपने नाखून होंठ चेहरा नहीं दिखाया करेंगे। तो मैं इस वीडियो के जरिए से अपनी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ कि पर्दे में रहा करो, पर्दे से बाहर मत निकला करो, किसी गैर मर्द को अपना जिस्म मत दिखाया करो। अगर आपको भी कुछ समझ में आया है, अगर आप चाहते कि इस वीडियो से हमारी माँ बहनें सुधर जाएं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यूपी मुस्लिम चैनल पर पहली बार आए तो So, ये थी वीडियो भाई साहब, बहुत ही डराने वाली थी। कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं ना। हाँ, मतलब क्या तो, क्या तो काट दी, आंखें निकाल ली, उसके नाखून भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक। और आजकल आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, मतलब अपना जिस्म दिखा दिखा के लोग। मैं सोच रही हूँ कि मतलब अगर सारे मेकअप करना छोड़ देना तो वो सुंदर लगेंगी, फिर भी सुंदर लगेंगी, फिर उनको ऐसा देखने की आदत पड़ जाएगी, सभी को नेचुरली सुंदर लगेगी। मेरे ख्याल से कोई लिपस्टिक भी बड़ा रेयर लगाती हुई कभी कभार, या ऐसे ही, या कभी होगा कि कोई शूट करना होगा स्पेशली प्रोडक्ट का, किसी कंपनी ने भेजा होगा तो उसके लिए होगा, लिपस्टिक लगाएगी, मुंह पे फिर भी कुछ नहीं लगाएगी और नेल्स पे भी लगाया, वो नेल पेंट है ना समथिंग, कुछ भी सिंपल सी है बेचारी लड़की। तो बाकी ये था, और बड़ा ही खतरनाक सी चीज थी ना यार। सही है ना कि आंखें निकाल लेनी, नेल्स भाई नेल जरा सा यहाँ से निकल जाए तो इतनी दर्द होती है, पूरा निकाल लेना सोच, इमेजिन भी निकल जाती है यार ऐसी चीजें, तो ना
बस ये है कि यार ऐसी चीजें ना करो। और कई तो Yeah. आजकल आप देख रहे हो भाई सब यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखा दिखा के कुछ है हमारी महारानी ऐसी, हम नाम नहीं लेना चाहते। तो आप सभी को पता है, आप भी देखते होंगे उनकी वीडियोस, आपको कई बार कुछ शो होती होंगी है ना, तो देख ही सकते हो कि क्या क्या हो रहा है व्यूज के लिए और क्या क्या, मतलब उनको यार जरा भी डर नहीं है ना कि भाई क्या ही है ना। और मेन बात तो ये कि देखने वाले हैं इसलिए वो दिखाती हैं, यस देखने वाले यस ज्यादा हैं, देखने वाले ज्यादा उनको लाइक फॉलो यही करते रीजन हैं। है. जैसे अब हमारी सिंपल सी ये वीडियो है, इस पे आप देख लो कितने व्यूज होंगे, कितने लाइक्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज होंगी या कुछ ऐसी मिलियंस है ना, कुछ ऐसी वीडियो होगी जिसमें कुछ ज्यादा शरीर का उपयोग करा होगा, दिखाया होगा, तो उसमें मिलियंस व्यू होंगे। देखने वाले हैं तभी वो करते हैं ना। अब सिंपल चीजों को आप पसंद नहीं करते, सिंपल चीजों को बढ़ावा दोगे और इसी बात है सिंपल चीजें आगे जाएंगी जाएंगी। सो बाकी ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय.